आज मैं लेके आया हूँ ओमनी एसडी का सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव ऐप, जो कि प्रॉपरली मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ उसके जरिए से थर्ड पार्टी के जिप फाइलों को भी यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। मैं हेमेश, अपने चैनल टेक लाइफ हनीबल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास जियो का कीपैड फोन है। जियो के कीपैड फोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल करना है तो कंपनी ने दिया हुआ है जियो स्टोर, लेकिन इसके जरिए से कुछ ही आप ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन कुछ अदर ऐप को भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ती है ओमनी एसडी की, जबकि ओमनी एसडी आपका कभी कभी वर्क नहीं भी करता है। और जो मैं मेथड बता रहा हूँ, इसके जरिए से आप अपने जियो के किसी भी मॉडल में इस मेथड के जरिए से ये नया वाला अल्टरनेटिव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जियो का हमारा कीपैड फोन है और जिस फाइल को हमने बताया, जिस यहाँ पर ऐप को मैं बता रहा हूँ, उसको आपको डाउनलोड करके उसे आपको एसडी कार्ड के डाउनलोड फोल्डर में रख लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मैंने भी इसको एसडी कार्ड के फाइल मैनेजर में एसडी कार्ड के डाउनलोड फोल्डर में हमने उसको रख लिया है, यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में रख लिया है। और रखने के बाद आपको बैक आ जाना है, बैक आके फोन को ले जाना है स्विच ऑफ करके रिकवरी मोड। तो यहाँ पर हम फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और स्विच ऑफ करने के बाद हम यहाँ पर हमारा मॉडल है F220B, तो यहाँ पर स्टार और पावर बटन एक साथ प्रेस करना है। प्रेस करते ही जैसे ऑन होगा हम दोनों बटन रिलीज कर देंगे, रिलीज करते ही हम आ जाएंगे रिकवरी मोड पर। और ये देखिए, यहाँ पर हम रिकवरी मोड पर आ गए। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, वाइप एंड फॉर्मेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, पावर बटन से हमें ओके करना है, ओके करके यहाँ फैक्ट्री रीसेट कर देना है, फैक्ट्री रीसेट यस कर देना है। यस करने के बाद फिर हम बैक आ जाएंगे। ये देखिए हमारा फॉर्मेटिंग हो रहा है, फॉर्मेटिंग हो जाए प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हमें इंस्टॉल जिप करना है। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है जिसका नाम है गर्दा फाइल मैनेजर, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप भी वहां से डाउनलोड करके अपने एसडी कार्ड के डाउनलोड फोल्डर में उसको रख लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं इंस्टॉल जिप, और यहाँ चूज जिप फ्रॉम एसडी कार्ड सिलेक्ट करते हैं, आ जाएंगे हम उसी फोल्डर जहां पर हमने फाइल को रखा हुआ है, तो डाउनलोड में, और हमें आ जाना है गर्दा फाइल मैनेजर, इसको हमें पावर बटन से ओके करके सिलेक्ट कर देना है, इंस्टॉल गर्दा फाइल मैनेजर। दोस्तों, ये आपका ओमनी एसडी का सब्स्टिट्यूट है गर्दा फाइल मैनेजर, जिसके जरिए से आप थर्ड पार्टी की जिप फाइलों को इंस्टॉल कर लेंगे। कोई भी थर्ड पार्टी का ऐप जो कि जिप फाइल के रूप में है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है, प्रेस एनी की टू बैक कह रहा है, यहाँ गो बैक हम हो जाते हैं। इसके बाद हमें कर देना है रिबूट सिस्टम। रिबूट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, रीबूट हो जाए। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको 100% रियल जेन्युइन वीडियो ही मिलती है, नो फेक वीडियो, तो इसलिए हम यहां पर कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहे हैं, कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा स्टेप फॉलो करिए। 100% वर्किंग मेथड मैं बताता हूं। तो ये देखिए एसडी कार्ड डिटेक्टेड, और ये देखिए यहाँ लैंग्वेज सिलेक्शन, ओके एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, ये हमारा फोन प्रॉपरली बूट हो गया है। और यहाँ पर हमारा ये गर्दा फाइल मैनेजर इंस्टॉल हो गया है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया। अब इसको ओपन हम कर लेते हैं। तो ये देखिए ओपन हमने किया, ओपन करते ही मैं यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि कोई भी ऐप इसके जरिए से कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने कुछ ऐप यहाँ एसडी कार्ड में रखा हुआ है, उस फोल्डर पर हम आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे, हमने इस वाले फोल्डर में कुछ ऐप रखा हुआ है। सपोज यहाँ पर इतने सारे ऐप हैं जो कि iOS के लिए है, जिप फाइल है, जैसे गूगल ड्राइव है। यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करके देखिए कह रहा है इंस्टॉल द एसडी कार्ड वन डाउनलोडेड रोम, फोल्डर दिखा रहा है गूगल ड्राइव डॉट जिप पैकेज। तो यहाँ पर हमें ओके कर देना है, ओके हम जैसे ही करेंगे, ये देखिए इंस्टॉलेशन सक्सेस हमारा बता रहा है। इसके अलावा जेजी हॉट स्पॉट भी है, टिकटॉक भी है, हॉट स्पॉट एक बार हम यहाँ पर करना चाहें तो यहाँ पर भी हम ओपन किए, और यहाँ जैसे ही जेजी हॉट स्पॉट डॉट जिप पैकेज इंस्टॉल के लिए ऑप्शन है, ओके किया हमने, और ये देखिए इंस्टॉलेशन सक्सेस। अब हम बैक करके देख लेते हैं कि
कि हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया कि नहीं। तो ये देखिए सामने हमारा ड्राइव भी, गूगल ड्राइव भी इंस्टॉल हो गया, जेजी हॉट स्पॉट भी हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। और यहाँ पर मैं अलर्ट पर यदि आपको दिखा देता हूँ, तो अलर्ट में देखिए डाउनलोड कंप्लीट, जेजी हॉट स्पॉट इंस्टॉल, डाउनलोड कंप्लीट, ड्राइव गूगल ड्राइव का भी दिखा रहा है इंस्टॉल्ड। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, हमें कमेंट अवश्य करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।